नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। और आज हम देखेंगे जॉर्ज एवरेस्ट, जो 4,500 फिट की ऊंचाई पे स्थित है मसूरी रेंज में। और इसकी जो ट्रेकिंग है, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करके ट्रेक करके यहाँ पहुँचते हैं तो 30 मिनट का समय लगता है एवरेस्ट टाइम। एक नॉर्मल इंसान के लिए 30 मिनट का ट्रेकिंग है ये। और इस 30 मिनट की ट्रेकिंग के बाद आप जॉर्ज एवरेस्ट पहुँचते हैं, पीक पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको अमेजिंग नज़ारे दिखेंगे। वहाँ पे वहाँ से आप दून वैली, पूरी दून घाटी देख सकते हैं। और मतलब ठंड के टाइम में वहाँ पे स्नो, मतलब कैप्ड माउंटेन आप देख सकते हैं, बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन देख सकते हैं। आप अपने लाइफ का बेहतरीन पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर। और ज़्यादातर टाइम में वहाँ पे आपको कैंपिंग वगैरह होती है, तो आप वहाँ पे टेंट कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे उसके अलावा जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल की जाती है पक्की कंस्ट्रक्शन के अलावा, मजबूत कंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे की जाती है। तो आइए देखते हैं नज़ारा जॉर्ज एवरेस्ट का। तो हम पहुँच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ और हम ट्रेक करके ऊपर जा रहे हैं। अभी ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये एक ट्रेक की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है और सड़क भी पतली सी लग रही है। 112 फीट वहाँ से लेके यहाँ तक है, 114 फीट है फ्रंट है ये, 114 मतलब ये पूरा फ्रंट है। और नी इसकी गहराई कितनी होगी लगभग, डेप्थ कितनी होगी? 300 की गहराई है, 330-340 का। और जहाँ से ये जमीन शुरू होती है वहाँ 25 फीट की सड़क है, 25 फीट की सड़क वो हो गई। फिर ऐसे ये 18 फीट की सड़क ये वाली हो गई, 20 फुट की है भाई, 20 फीट की सड़क है। हाँ ठीक है, ये इधर से भी थोड़ा सा अगर चॉपिंग करके निकाल देंगे। ये हमने किसी और को नहीं है। अच्छा ये फिर एंड है, आगे 10 कदम ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट की वो है, जहां बस पूरा व्यू दिखता है मसूरी का। हाँ ठीक है, और वहीं का हेलीपैड है। नहीं ये तो और क्या, ये फॉरेस्ट है ये वाला, ये ना ये पार्ट तो फॉरेस्ट है, ये तो प्राइवेट लैंड नहीं है ना किसी का, ये हमारी प्राइवेट है भाई। ऊपर प्राइवेट है, अच्छा ये भी प्राइवेट लैंड है। अच्छा फॉरेस्ट वालों को 1948 के डॉक्टर ने सबसे बढ़िया बात यही है, खरीदी हुई है। ये गार्टर पे बना हुआ है पूरा, ये लोहे का पाइप होता है उस पर बना हुआ, और यहाँ पे वैसे ही बनता है। और ये जो जगह है इसको जॉर्ज एवरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप अगर लैंड परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर तो सकते हैं, लेकिन पाइप जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, वैसे ही जैसे आपने देखा होगा मैगी पॉइंट्स वगैरह में, वैसे ही कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। ऊपर चाहे अपने घर के अंदर आप कुछ भी लगा लो, लेकिन गाटर पे मतलब लोहे के पाइप के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना अलाउड है। यहाँ पे अभी बन रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे परचेज करना शुरू कर दिया। ये भी प्राइवेट लैंड है किसी का, और ये रास्ता है 20 फिट का। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि मेन जो जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, अगर आप कभी आए हो जॉर्ज एवरेस्ट, जो जॉर्ज एवरेस्ट आने के लिए जो मेन सड़क है, वहाँ जनरली प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, लेकिन जिनकी अपनी ज़मीन है, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, वो अपनी कार लेके यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर वो लोग लेके आ सकते हैं जिनको यहाँ पे रिजॉर्ट में रूम बुक है जिसका। तो ऐसे यहाँ पे आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। तो अगर आप यहाँ ज़मीन ख़रीदते हैं, वो भी एक चांस है, मौका है, बहुत रेयर ही यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है, तो आप यहाँ अपना रिजॉर्ट या अपना कॉटेज बना सकते हैं। और चलने की गारंटी 100% है, क्योंकि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बीच बीच में ट्रेकिंग है, लोग अपने प्राइवेट लैंड में जाते हैं, इसके लिए ये ट्रेक बना हुआ है पहले से ही। आज मौसम बड़ा ख़राब है, आज बारिश, सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है और धीरे धीरे अपना प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ बनाने का यहाँ पे, जैसे कैंपिंग इन जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड। तो इस तरह का कैंपिंग होता है यहाँ पे, टेंट कैंपिंग। ये सारा प्राइवेट लैंड है, ये जो आपको जंगल जैसा फील हो रहा है, ये एक्चुअली ये लैंड है, लैंड तो है ही, बट ये प्राइवेट लैंड है, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट लैंड। और यहाँ पे सारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, सारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे अपना रिजॉर्ट, कॉटेज या फिर अपना कैफ़े खोल सकते हैं। सारा एक्चुअली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पक्का अलाउड नहीं है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है।
ये भी है नॉक जॉर्ज कैंप, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बॉनफायर, एंजॉय कैंपिंग इन, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो मैं भीग चुका हूँ काफ़ी। तो ये हम ऑलमोस्ट बिल्कुल सरफेस पे पहुंच चुके हैं जहाँ से, जहाँ पे आप अपनी कार को खड़ी कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपका मतलब एसयूवी है तो आप यहाँ पे भी ला सकते हैं अपनी गाड़ी। और ये 5 बीघा लैंड है ये वाला, इसमें रिजॉर्ट आने वाला है बहुत जल्दी। और ये एरिया भी कमर्शलाइज होने वाला है बहुत जल्द मसूरी की तरह। अभी तक हिडन था, लोगों की नज़र में प्रॉपर अभी आया नहीं था। लोगों को समझ में आ गया कि यही जन्नत है ये, जहाँ पर आप कुछ बढ़िया क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे माइंडसेट के लोग यहाँ आ चुके हैं, तो ये अब आपकी बारी है इस जगह को पहचानने की, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस है और हमेशा ऐसे लोकेशंस में देखिए यहाँ से आपको पार्किंग भी नज़र आ रहा है सामने, ये छोटा सा पैच है। तो कल को यहाँ पे रिजॉर्ट बनने वाला है। ये सड़क है जिससे आप ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट ट्रेकिंग पर जाते हैं। ये सड़क है जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल जब आप जॉर्ज एवरेस्ट आते हैं तो आपको वॉक करके आना पड़ता है। जनरली यहाँ पर वो गाड़ी लेके आते हैं जिनकी अपनी ज़मीन है, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसको अलाउड है यहाँ पे गाड़ी लाना। और यहाँ पे ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, जॉर्ज एवरेस्ट कैंपिंग एंड पीक। तो ये रास्ता है, अभी कच्ची सड़क है, इससे आप जाते हैं ऊपर वॉक करके, ट्रेक करके। और यहाँ पे एक पार्क कैफ़े ऑलरेडी बना हुआ है बहुत शानदार, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। ये सारा ये जो दिख रहा है आपको ऊपर टॉप में, ये सारा लैंड है, प्राइवेट लैंड है। और यहाँ पर सारे रिजॉर्ट्स के पर्पज़ से लोगों ने यहाँ पर लैंड परचेज़ किया है। ये रास्ता ऊपर चला जाता है बिल्कुल टॉप पे। अभी जो हेलीकॉप्टर राइड्स जो अभी शुरू हुआ है वो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है ऊपर। ये कैंपिंग रिजॉर्ट है, पार्क कैफ़े। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी सेरेमनी वगैरह अरेंज कर सकते हैं। हाँ, ये पार्किंग एरिया है, ये शानदार लोकेशन, शानदार जगह। एक मौका है ऐसे लोकेशन में कुछ क्रिएट करने का, इसे कहते हैं प्रॉपर हिल स्टेशन, जहाँ पे आप अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं आप। जो काम आपने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया वो काम ऐसी जगह पे बैठ के आप कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो ऐसी जगह है ये। मैं सिंस रियल एस्टेट का काम करता हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जब ये जगह इन्होंने ली होगी तो कैसा होगा, और आज इन्होंने इसे क्या डेवलप कर दिया, क्या बना दिया है स्वर्ग की तरह। ये अपने हाथ में होता है सब कुछ क्रिएट करना। जैसे अभी मैंने आपको एक रॉ एरिया दिखाया, उसे लेके क्रिएट करना सब आपके हाथ में होता है। तो मुझे लगता है आपको ये जगह अच्छी लग रही होगी। अभी और बाकी है इसमें कुछ चीज़ें, अभी मैं आपको जॉर्ज एवरेस्ट भी दिखाऊंगा। और ये जगह मैं, मेरे एक फ्रेंड है अभिषेक, उन्होंने मुझे दिखाया है। अभिषेक भी जा रहे हैं। तो ये किसी ने क्रिएट किया है 2-3 साल पहले, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, एज पे है, पाइन ट्री है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, शानदार लोकेशन। ज़्यादा कुछ खर्च नहीं हुआ है लेकिन बहुत सुंदर लोकेशन है, इसका लैंडस्केपिंग बहुत अच्छा है। पार्किंग पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड गाड़ियाँ आती हैं तो ऑब्वियसली लोगों को यहाँ तक आने में, ऑब्वियसली चल के आते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। बहुत हाइट पे है ये जगह, टॉप में है। ये जॉर्ज एवरेस्ट का ये जो हेलीपैड है वो, उसका ये लोकेशन है, कोई एडवेंचर स्काई वॉक, ये लोकेशन है।
इसके ऊपर एक हेलीपैड भी है यहाँ पे। तो टूरिज्म का बहुत अच्छा जगह है ये, बहुत नाइस प्लेस है। इवन आजकल मसूरी में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है तो लोग इस तरफ आ रहे हैं आजकल। तो अगर यहाँ पे आप रिजॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो डेफिनेटली इधर इस तरफ देहरादून, इस तरफ आपका मसूरी का व्यू है राइट साइड में, और इसके बैक साइड में देहरादून का व्यू है। ये वॉक करके आना पड़ता है जॉर्ज एवरेस्ट। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, जैसे ये गाड़ी आई थी अभी ऊपर। और ये ज़मीन है एक्चुअली, ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है। और ये पैचेस हैं यहाँ से लेके ऊपर तक। अभी सिंस रेनी सीजन में थोड़ा जंगल बढ़ जाता है, थोड़ा मतलब घना हो जाता है ये पेड़ पौधे, और समर में काफ़ी मतलब क्लीन विजिबिलिटी होती है, आर पार दिख जाता है पूरा। तो इसके पीछे भी एक सड़क है, और इस पीछे वाली सड़क पे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एक कट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो कट ऊपर से घूम के जाता है। तो अगर आप डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट को तो मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। और ये जॉर्ज एवरेस्ट वाली सड़क है जो नीचे जा रही है, और यहाँ पर एयर सफारी होती है, जिसको मैंने अभी दिखाया कि ऊपर एक एयर सफारी का हेलीपैड है। अभी हेलीपैड, सिंस हम हेलीपैड तक गए नहीं, लेकिन हाँ जा सकते हैं हेलीपैड तक। ये लाइफ टाइम आपको ये फॉरेस्ट व्यू मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये लास्ट पॉइंट है जॉर्ज एवरेस्ट आने का। अगर कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे अपनी कार पार्क करता है या बाइक, फिर पैदल जाना होता है। और इस बैरिकेड से आपको पर्सनल अप्रूवल लेना पड़ता है ऊपर जाने का, अगर आपकी ज़मीन है ऊपर तो। कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं आ रही, सारी गाड़ियाँ भारी खड़ी हैं। इतने सारे टूरिस्ट हैं, आज फ्राइडे का दिन है, बहुत बारिश हुई है सुबह से, फिर भी इतने सारे टूरिस्ट हैं। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर मसूरी के अलावा, अब यहाँ पर भी लोग आते हैं। ये सब प्राइवेट लैंड है ये सामने जो दिख रहा है आपको। अब हम वापस देहरादून की तरफ जा रहे हैं, मसूरी रोड से, राजपुर रोड से। ये रास्ता ऊपर हाथी पांव को चला जाता है, और ये वापस हम मसूरी की तरफ जा रहे हैं। आप इस रास्ते से मसूरी भी जा सकते हैं, किमाड़ी भी जा सकते हैं, और देहरादून भी जा सकते हैं। तो और जैसे आते हैं अगर आप, तो आप किमाड़ी की तरफ से भी आ सकते हैं, जो देहरादून के अंदर से ही रास्ता है, मिलिट्री एरिया है वहाँ सप्लाई की तरफ से, या फिर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो फिर आप मसूरी की तरफ से भी आ सकते हैं। हालांकि ये जो ज़मीन है जॉर्ज एवरेस्ट में, ये पहले पाक स्टेट के पास था। पाक स्टेट ने इंडिविजुअल लोगों को बेचा, जिसमें एक शाह फैमिली और एक चौधरी फैमिली, ये दो फैमिली को इन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी, 7 एकड़। 7 एकड़ में 3 एकड़ शाह फैमिली के पास चली गई थी और 4 एकड़ चौधरी फैमिली के पास चली गई थी। तो अभी हम जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो शाह फैमिली वाली लैंड है, जिसमें 5 बीघा और 7 बीघा दो ऑप्शंस मिलेंगे। और एक तरफ से 25 फीट की सड़क है और दूसरी तरफ से 20 फीट की सड़क है। जो दूसरी तरफ की सड़क है 20 फीट की, वो ऊपर चली जाती है जॉर्ज एवरेस्ट पीक के ऊपर, और वहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है काफ़ी अच्छी, वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और नीचे वाली जो सड़क है वो सीधी चली जाती है हेलीपैड की तरफ ऊपर, और ऊपर भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है काफ़ी अच्छा। उसके सामने एक छोटा सा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा सा एक कैफ़े बना हुआ है, छोटा सा रिजॉर्ट यू कैन से, टेंट रिजॉर्ट तो वो बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा डेवलप किया उन्होंने। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ प्लान की जा सकती है। और ये रास्ता है जिससे हम वापस देहरादून की तरफ जा रहे हैं।
और रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है, मौसम बहुत बेहतरीन है। तो जब भी आप जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ आएंगे तो इसी सड़क से आप आएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस सड़क में ड्राइव करने में, क्योंकि यहाँ से देहरादून कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आप देहरादून को बहुत अच्छे से मतलब देख सकते हैं यहाँ से, और बहुत ही बेहतरीन सीनिक ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो आप यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, साथ साथ रास्ते में कई सारे मैगी पॉइंट्स भी होते हैं, तो आपको अगर कुछ खाने का इच्छा हो तो आप रुक के कुछ मैगी वगैरह या कुछ और भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इस रास्ते में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं तो हमेशा हलचल रहती है, रोड में भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। वैसे देखा जाए तो देहरादून शहर या उसके आसपास ज़मीन लेने के कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ क्यों लिया जाए, मतलब वाई जॉर्ज एवरेस्ट। तो ऐसा कोई मतलब मैं कोई लॉजिक ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बट हाँ मेरे हिसाब से जॉर्ज एवरेस्ट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्लेस है, नो डाउट। और यहाँ पे एक अल्ट्रा टाइप, मतलब आपको ये समझिए कि अगर आपने कुछ बनाया, कुछ रिजॉर्ट टाइप अगर कुछ क्रिएट किया यहाँ पे, तो एक अल्ट्रा लग्जरी या अल्ट्रा यूनिक प्लेस की फीलिंग आएगी जो जनरली पूरे एरिया में शायद कहीं नहीं है। मतलब एक प्राइवेसी आप मतलब कह सकते हैं इसमें आपको एक प्राइवेसी मिलेगी यहाँ पे, और आप अपना एक डोम बना सकते हैं, जस्ट लाइक एक हाउस बना सकते हैं, एक नहीं मतलब सिंस ये ज़मीन काफ़ी गहरी है, चौड़ी कम है नो डाउट, तो गहरी काफ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं सीढ़ी नुमा स्टेप वाइज, वो भी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको शुरू में वीडियो में, उसी स्ट्रक्चर में आप इसे डेवलप कर सकते हैं। लोहे के बड़े बड़े मतलब पाइप्स आते हैं और काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, उसके इस्तेमाल के साथ साथ आप इसे काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये कोई नदी का मुहान नहीं है, नदी का किनारा नहीं है, तो कल को आपको बाढ़ वगैरह का खतरा नहीं है यहाँ पे। और रही बात भूस्खलन की या जो मतलब लैंडस्लाइडिंग की अगर हम बात करें, तो इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो सकती है अगर, जस्ट इन केस, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकती, लेकिन ये पूरा पेड़ों से मतलब पाइन ट्री से घिरा हुआ है, और स्पेशली जहाँ लैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जैसा ही फील आएगा आपको, लाइक यू आर इनटू फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ों ने काफ़ी अच्छे से मजबूती से ज़मीन को पकड़ रखा है, इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, ताकि मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ बड़ा कुछ हैवी आपने डिग कर दिया, ज़मीन खोद दी, तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डेवलप करने को गवर्नमेंट ने मतलब आश्वासन दिया है, और परमिशन यहाँ पे मिलेगी नहीं आपको, अगर आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हो तो परमिशन विल नॉट अलाउड, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको जो भी परमिशन मिलेगी वो अपने पर्सनल लोहे के खंबे के साथ आप अपना कॉटेज या अपना रिजॉर्ट जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी परमिशन हो जाती है। और देहरादून शहर से हटके ये जगह है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा पहाड़ों के ऊपर टॉप पे रहें, जाके दो दिन एंजॉय करें, तो वैसे लोगों के लिए ये जगह है। हाँ, बहुत लंबा समय रहने वाली जगह नहीं है ये, स्पेशली फॉर दी टूरिज़म पर्पस, स्पेशली फॉर दी रिजॉर्ट पर्पस, स्पेशली फॉर दी कॉटेजेस पर्पस, सेकेंड होम काइंड ऑफ एरिया है ये, तो बहुत लंबा यहाँ पे आप रुक नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज़ अगर कोई स्पेशल पर्पस है आपका, अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल पर्पस है, आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आपको एक एकांत में एक जगह चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जगह हो सकता है एकांत में, क्योंकि यहाँ पे अननोन मतलब ऐसे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये एक आपका प्राइवेट प्लेस हो जाएगा जहाँ पे आप अपना कुछ भी वैसा कुछ थॉट्स वगैरह यहाँ पे आके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप सोच के यहाँ पे एनीथिंग यू कैन थिंक अलोन, और अपने माइंड को और रिफ़्रेश करने के लिए आप जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पे जा सकते हो वॉक करके, और वहाँ से आप नज़ारे देख के कई सारी चीज़ें दिमाग में
आप ला सकते हो। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हो, जहाँ पे आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहें, कैंपिंग करना चाहें, तो वो यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि लोगों को एक अच्छे कैंप साइट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, एक अच्छे क्लास का अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपिंग किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत लोग यहाँ पे कैंप मतलब ज्वाइन करना चाहेंगे और मुंह मांगी कीमत भी देने को लोग तैयार होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली लोग पूरे पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं घूमने के लिए, मसूरी हो या जॉर्ज एवरेस्ट हो या कैंपटी फॉल हो या हाथी पांव हो या धनौल्टी हो, ये सारा एरिया जो इसके आसपास है, लाल टिब्बा है, क्लाउड एंड है, भद्राज है, तो देर इज़ मेनी प्लेसेस जहाँ लोग मन बना के घूमने आते हैं। तो यहाँ भी दो दिन रुक सकते हैं, एक दिन दो दिन का पैकेज बनाया जा सकता है और लोगों को पसंद आएगा बेसिकली ये जगह। तो धीरे धीरे बातों बातों में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, अब हम देहरादून के काफ़ी करीब हैं, हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं अब देहरादून। और देहरादून पहुँचने मतलब देहरादून शहर के अंदर हम इंटर करते हैं, तो हम इंटर करते हैं राजपुर रोड से, और राजपुर रोड से जब आप मसूरी की तरफ आते हैं तो एक बहुत ही फेमस मंदिर है, प्रकाशेश्वर मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो उनको ज़रूर नमन करता हुआ जाता हूँ यहाँ से, और उनका आशीर्वाद है हम सब पे। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं देहरादून डाइवर्जन के पास, जहाँ से एक सड़क चली जाती है DIT की तरफ और एक सड़क चली जाती है राजपुर, ओल्ड राजपुर की तरफ। तो हम अभी DIT की तरफ वाले रोड की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता आगे मैक्स हॉस्पिटल को लेके जाता है। इसमें काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट, होटल, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कई सारी मतलब बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाएंगी। कुछ खाने पीने की अच्छी फास्ट फूड भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं मेन रोड पे, और यहीं से आप चाहें तो देहरादून सिटी के अंदर इंटर कर सकते हैं, गढ़ी कैंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट आया है कि मुझे पहाड़ों में कुछ करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो ये देहरादून वाला जोन है जहाँ पे आप इस तरह का ऑप्शंस मतलब ऑप्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ऑफर है। और ये रास्ता ऐसा है कि मतलब आपको अपने डेस्टिनेशन जॉर्ज एवरेस्ट अगर आपने इनकेस अगर आपने प्लान किया तो वहाँ जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दिस रूट यू विल गेट एवरीथिंग जो नीडेड है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सामान है, वो सब यहीं से आप परचेज़ करके जा सकते हो। अदरवाइज़ जॉर्ज एवरेस्ट में भी काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं आज की डेट में। तो आज का वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक छोटी सी कोशिश, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मेहनत किया मैंने जॉर्ज एवरेस्ट को समझाने के लिए, और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आप गूगल में चेक कर सकते हैं, जॉर्ज मतलब सेंट जॉर्ज जो थे वो कौन थे और क्यों यहाँ पे उन्होंने बनाया था, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए मैंने वीडियो को बहुत ही लिमिटेशन बनाया है, और क्लॉक टावर से लगभग आप ये मान के चलो कि 40 किलोमीटर तो होगा आराम से, तो 40 किलोमीटर के आसपास ये क्लॉक टावर से है और बिल्कुल पीक पे है, वहाँ से हिमालय वगैरह भी नज़र आता है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें और मुझे कॉन्टैक्ट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you.